तो मोदी सरकार का बजट आ गया और बजट का इंतजार हर कोई कर रहा था, हर कोई से ज्यादा राजनीतिक दल कर रहे थे। इस बजट में ऐसा क्या होने वाला है जिस बजट के आगे आगे की राजनीति की जाएगी, आगे की राजनीति की जाएगी या आज की राजनीति के लिए एक बिसात बिछाई जाएगी, संभवतः यही कुछ हो भी रहा है। भारत देश की कुल इकोनॉमी जो है, हमारे पास जितना पैसा है वो है 178 लाख करोड़, और खेल उसी का है। लेकिन हम जब यहाँ पर बैठते हैं और हम सरकारी डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठते हैं कि जब हम आपको बता रहे हैं कि देश की कुल इकोनॉमी 178 लाख करोड़ की है, तो हमें लगता है बस बजट जो आपने देखा सुना और उस पर तमाम रिएक्शन आते रहेंगे, लेकिन उससे इतर कुछ सोचा जाए, समझा जाए क्या हालात है, इसे देखा भी जाए। कॉरपोरेट कर्ज है 10 लाख करोड़ से ज्यादा का। सीबीआई बैंक फ्रॉड के मामले में 878 मामलों की जांच कर रही है, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ की रकम उसमें सीधे सीधे तौर पर आ जाती है। 12 बरस, हमको लगता है कि अब तो आखिरी बरस था मोदी सरकार का बजट को लेकर, अब इस चुनाव के बाद फिर जीत जाएंगे तो फिर पेश करेंगे, नहीं करेंगे दूर की गोटी है। लेकिन इससे हटके हमको लगता है कि अगर आप तमाम चीजों को इसमें मनमोहन सिंह के दौर को जोड़ लीजिए, पिछले 12 बरस की 3 लोकसभा चुनाव को जोड़िए, उसमें उस चुनाव के मद्देनजर जो कॉरपोरेट ने पैसा दिया वो 2,355 करोड़ रुपए कॉरपोरेट ने पैसा दिया। कॉरपोरेट को इन 12 बरस में कितनी छूट दी गई? सिर्फ 50 लाख करोड़ की छूट दी गई, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से। इसके मतलब क्या है? आप खुश होंगे, 5 लाख के तहत अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहां तो खेल कुछ और है। सवाल है, इतनी बड़ी छूट अगर दी जा रही है तो फिर क्या हो रहा है? कल हम एक बात का आपसे जिक्र कर रहे थे, सेस का। सेस का मतलब ये होता है सरकार पैसा लेती है, और उस सेस का एक खुला एक आंकड़ा और जोड़ देते हैं, चूंकि बजट का दिन है। 4,04,341 करोड़ रुपए सेस के तौर पर सरकार ने 3 बरस में लिए, क्योंकि इस चौथे बरस का अभी तक डाटा सामने आया नहीं है। अब बजट हम लोग खोलेंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना और आया है, लेकिन उसमें उपयोग जो किया गया वो सिर्फ 2,30,203 करोड़ का किया गया। इसका मतलब यह है कि 1,17,138 करोड़ का क्या किया गया कोई नहीं जानता है इस बीते 3 बरस में, 14-15, 15-16, 16-17, अब 17-18 वाला इस बजट में जिक्र किया गया होगा, उसको हम लोग उठाएंगे तो दे देंगे। यानी इसको अगर आप सीधे सीधे समझें तो 17 खरब 41 अरब 88 करोड़ 81 लाख रुपए, ये कहां गया पैसा कोई नहीं जानता है। जब हम इस जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी ऐसी है, देश में इस बात को लेकर बहस है कि जनाब कुछ रोजगार के लिए आपने किया कि नहीं किया। आप अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ऐसे में पैसा जो बांट रहे हैं वो पैसा किसका पैसा है? जनता का ही पैसा है, देश का? के जरिए पैसा है। हालांकि कुछ जानकारी आ रही है कि कुछ नेट सर्विस थोड़ी गड़बड़ है, तो उसको देखा जाए, वो ठीक हो जाएगा। डिजिटल इंडिया है, उसको भी ठीक हो जाएगा, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। एक ने कहा कि एंटी बीजेपी लीडर कोई मयूर गरडिया है। सवाल यहां एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस देश का है। जोर से जय हिंद कह दीजिए, जोर से वंदे मातरम कर दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। इस देश की इकोनॉमी को आपको समझना होगा, क्योंकि उसी इकोनॉमी पे आपके बच्चे भी कल बड़े होंगे और आपका जीवन भी उसी पे चल रहा होगा। रोजगार आपको उसी के आधार पे मिलेगा, अगर इकोनॉमी ठीक नहीं है तो रोजगार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब कहना छोड़ना होगा, कौन एंटी है, कौन बीजेपी एंटी है, कौन कांग्रेस एंटी है, कौन मनमोहन सिंह के बुराई करता है, कौन मोदी, इन सब चीजों में मत फंसिए और इन सब चीजों में दिमाग भी मत लगाइए। जरा देश की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपसे जिक्र आपने उठा दिया तो हमको लगता है कि एजुकेशन का ही जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एजुकेशन हो चुकी है। एजुकेशन को लेकर क्या नजरिया है? हर साल 3 लाख छात्र जो है इस देश को छोड़ दे रहे हैं हायर एजुकेशन के चक्कर में, उनके घर वाले 1,20,000 करोड़ रुपया फीस के तौर पर अलग अलग दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में चुका रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। वो जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो वापस लौटते नहीं है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा हमने इसका निकाला कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीयों की तादाद है कितनी। एनआरआईज तो आप जानते होंगे कि 1,30,00,000 लगभग एनआरआई है,
लेकिन इसके अलावे भी तो लोग पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी तादाद भी 1,78,000 करोड़ पार कर चुकी है। 1,78,000 1,78,00,1,78,35,419 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय रह रहे हैं, जो इसलिए चले गए, यहां पर शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं, चले जाइए, यहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, चले जाइए। यानी दुनिया के कितने देशों की जनसंख्या यूरोपीय देशों में 3 करोड़ के लगभग है, ये जब आप निकालिएगा तो ये आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा कि 3 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी भारत के बाहर रह रहे हैं। सिर्फ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहां पर व्यवस्था उस रूप में नहीं है। तो ये एंटी प्रो, इसमें मत फंसिए। उच्च शिक्षा का हमने जिक्र किया है, तो उच्च शिक्षा की स्थिति में लाइए, बजट क्या है और लोग क्या है, खर्च कितना होता है। हमारे यहाँ उच्च शिक्षा पाने वाले इंडिया में जो स्थिति है उनका बजट 33,339 करोड़ का, जो इस बार बढ़ के 40,000 करोड़ के लगभग में आया है। और कितनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं हायर एजुकेशन की, उनकी तादाद 3,42,11,000 है। अब अगर इनको जोड़ दीजिएगा तो 1,000 रुपए प्रति स्टूडेंट बैठेगा। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, वो 5,53,000 है। उनको कितना बजट देना पड़ रहा है, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा देना पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति पर जो स्टूडेंट बाहर जा रहा है कितना पैसा बैठ रहा है, 2,16,958 रुपया। हम एक असमानता का पैमाना भी है और इस देश के भीतर की जो परिस्थितियां हैं उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा शिक्षा का बजट जो है वो लगभग 50,000 करोड़ के लगभग है और निजी स्कूल का जो मुनाफे का बजट है वो 8,00,000 करोड़ का हो जाता है। अब आप क्या कीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान इस देश में चलाया जाता है, जिन बच्चों को 18 साल को वोटर मान लिया जा रहा है उनकी स्थिति क्या होती है और जिस परिस्थिति में रहते हैं, लगभग 20% बच्चे 5वीं तक पढ़ाई छोड़ देते हैं, 36% 8वीं तक पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और 12वीं तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 48% बचते हैं, यानी 52% बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। ये कौन सी परिस्थिति है जो हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन की स्थिति है। विदेश में जो साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 5% बच्चे बाहर लौटते हैं अपने हिंदुस्तान में, सब बाहर ही रह जाते हैं। क्यों नहीं लौटना चाहते हैं, इतनी शानदार व्यवस्था है, इतनी शानदार इकोनॉमी है, इतनी शानदार आंकड़ों की पूरी सरपट दौड़ती जमीन है जिस पर सरकार सत्ता अपने तौर पर बता रही है। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है जिसमें आप वापस देश नहीं लौटना चाहते हैं, यहां रहिए। 75% साइंटिस्ट अमेरिका में है भारत के, यानी हमारे यहां कितने फीसदी हैं वो चंद हथेलियों पर गिने जा सकते हैं, 1-2%। 75% अमेरिका में हो गए, बाकी दुनिया में फैले हुए हैं। ये स्थिति अगर इस रूप में आ रही है तो इसका जवाब आपके पास क्या होगा। जितना पैसा भारत से जा रहा है, भारत की एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि अब पैसा भी आना बंद हो गया है, क्योंकि भारत में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। विदेश से जो बच्चे पढ़ने आते थे, बार बार इसका जिक्र हो रहा है, मनमोहन सिंह ऐसे थे, मोदी जी ऐसे थे, आप साहब ऐसा कह रहे हैं, चलिए आज उसके आंकड़े बताते हैं। विदेश से जो बच्चे भारत में आते थे 2013-14 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते थे, तब रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं $600 मिलियन की कमाई भारत को होती थी जो बच्चे विदेश से भारत आते थे। 2017-18 जो पिछला साल है उसमें जो है घटकर $1.9 बिलियन से, जो हम 600 मिलियन डॉलर जो कमाई हो रही थी वो घटकर $479 मिलियन हो गया, यानी लगभग $125 मिलियन की कमी आ गई। एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा देखिए, जो 2013-14 में बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, भारत का पैसा जो जाता था वो $1.9 बिलियन जाता था, 2017-18 में कितना जा रहा है, $2.8 बिलियन, यानी तकरीबन $1 बिलियन हम बाहर दे रहे हैं। $1 बिलियन का लगभग मतलब ये होता है लगभग 201 अरब 88 करोड़ रुपया, ये बढ़ गया, यानी 117 अरब रुपए दिए जाते थे 2013-14 में बाहर भारत के चले जाते थे पढ़ाई के लिए, और अब जाने लगे हैं 201 अरब रुपए, उससे ज्यादा, 201 अरब 88 करोड़ रुपए। हम खाली एक स्थिति बतला रहे हैं कि हिंदुस्तान को लेकर जो आंकड़ों की फहरिस्त बार बार रखी जाती है उसका सच है क्या। खुश हो लीजिए, अब टैक्स में कुछ स्थिति अनुकूल हो गई, लेकिन इस बजट को समझने से पहले एक चीज और जरा दिमाग में रखिएगा, हमें लगता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब माओ चीन में हुआ करते थे तो चीन भी कुछ आंकड़े रखा करता था, 70 के दशक तक की अगर आप स्टडी कीजिएगा, दुनिया भरोसा ही नहीं करती थी चीन के आंकड़ों पर, और माओ के बाद जब स्थिति चीन में बनी तो उसने अपने आप को नए तरीके से ढाला और फिर दुनिया में कॉम्पिटिशन करने की स्थिति में ये आया।
कोई सुरेंद्र सैनी या कहते हैं 60 सालों से सो रहे थे क्या? अरे हुजूर, हर कोई जाग रहा था। मुश्किल यह है कि हर दौर में ये बातें कही जाती हैं, लेकिन ज्ञान की जरूरत इसलिए ज्यादा है, ज्ञान और बुद्धि में भी अंतर होता है, ज्ञान की जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि मौजूदा वक्त के बाद आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अतीत के भरोसे आप मौजूदा वक्त को देख सकते हैं, लेकिन अतीत के भरोसे आप भविष्य को नहीं देख सकते हैं, वर्तमान के भरोसे ही चीजों को देख सकते हैं। खैर, बारह इन चीजों का जवाब किस रूप में दिया जाए, ये खैर एक अपने तरीके की चीज है, लेकिन आंकड़ों का जिक्र, हम नौकरी का जिक्र बार बार कर रहे थे क्योंकि नौकरी का मसला ये है कि 18 बरस से लेकर 29 बरस तक के जो बच्चे हैं उनकी बेरोजगारी का परसेंटेज जो है 17% तक पहुंच चुका है। मसला ये नहीं है कि जो सांख्यिकी विभाग है सरकार का, उसके डाटा जब 6% पार करने के जिक्र कर रहे हैं, जिसको सरकार छुपा रही है और इसको कहा जा रहा है 45 साल में सबसे खराब स्थिति रोजगार की है, हम एक दूसरी स्थिति आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन वो विस्तार जो है असमानता के साथ बहुत ज्यादा व्यापक हो रहा है, लोगों की तादाद बढ़ रही है लेकिन असमानता उतनी ही तादाद में बढ़ रहा है। तो जिस इकोनॉमी का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, भारत में 178 लाख करोड़ की पूरी इकोनॉमी है, वह इकोनॉमी अपने तौर पर 8 से 9% के हिस्से में लगभग सारी है। उसमें हाल में यह आया था कि इस देश के 9 परिवार ही ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 50% इकोनॉमी है, संसाधन है। तो असमानता का पैमाना ये दुनिया में कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं जो भारत में। लेकिन भारत, दोबारा लौटिए नौकरी पर, सरकारी नौकरी जो इस देश के भीतर में है वो है 1,72,71,000 रुपए सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी 1,14,22,000 सरकारी नौकरी, दोनों को मिला दीजिएगा जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी है तो ये लगभग 3 करोड़ के लगभग बैठेगा। लेकिन दूसरी तरफ 45 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सबसे बुरा असर नोटबंदी में इन्हीं पर पड़ा था, और इसी क्षेत्र को लेकर या इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लेकर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, किसी रूप में कोई प्लानिंग नहीं है। और प्लानिंग का मतलब यह होता है कि वो शख्स को जीने का उतना ही अधिकार क्यों नहीं है जितना हमको और आपको है जब हम एक कमरे में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, या लुटियंस की दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े बंगलों पर जो रहते हैं उनके बराबर उनको अधिकार क्यों नहीं है। और चुनाव हारने के बाद जब वो वापस अपने गांव लौट जाते हैं तो वह जिन परिस्थिति में रहते हैं फिर दोबारा वहां से चुनाव जीत कर, जो तिकड़मों से चुनाव जीता जाता है इस देश के भीतर सियासी तौर पर, फिर वो वापस लौटते हैं और दिल्ली आके लुटियंस के बंगले बैठ जाते। इसके अलावा बात कहां बैठ रही है? हाँ, इसके अलावा बैंक बैलेंस सबका बढ़ जाता है, वो पैसा किसका है? आप कोई नौकरी तो कर नहीं रहे, आप तो सेवक हैं। अब सेवक का काम क्या है? जिससे पैसा ले रहा है उसकी सेवा करे, जनता का पैसा ले रहे हैं आप जनता की सेवा कीजिए, लेकिन उसका अपना बैंक बैलेंस बढ़ता है और जनता का पैसा धीरे 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 बैंकों से गायब होते चला जाता है। एक दूसरी स्थिति बताते हैं, एक एजुकेशन का मसला है, दूसरा हेल्थ का मसला है। हेल्थ बजट हमारे यहाँ वो भी लगभग 50,000 करोड़ का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा 6 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर का है, और उसको लाभ देश का जो बजट है उससे ज्यादा लाभ प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जो हेल्थ सेक्टर है उसको हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहां पैसे वालों के लिए पूरा सिस्टम है और जो मोहताज है उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। और सिस्टम कैसे काम करता है इसका एक बेसिक नजरिया कानून व्यवस्था से नहीं होता है। हमारे यहां पुलिस बल जो है 14 लाख पुलिस बल है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे देश में, और इसका बजट जो है वो 54,000 करोड़ का है। 14 लाख पुलिस वालों का बजट 54,000 करोड़ का, और दूसरी तरफ जो निजी सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, उनकी तादाद इस देश में 70 लाख है और उनका बजट 70,000 करोड़ पार कर चुका है, जो अगले 1-1.5 वर्ष में 90,000 करोड़ का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्या इस देश के भीतर ऐसी स्थिति आ रही है जिसके पास पैसा है वह एक अपना सिस्टम देश के भीतर भी बना सकता है जिसमें उसकी अपनी सिक्योरिटी होगी, अपने तरीके होंगे, क्योंकि मंत्री बनने के बाद तो आपको जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, आई वाई सिक्योरिटी मिलती चली जाएगी और वो जनता के पैसे पर ही वो पूरी सिक्योरिटी होगी। जनता की हालत जो भी जिस रूप में हो रहा है वो अलग है, पैसे वाला कैसे है, तो आप प्राइवेट सेक्टर के तहत धीरे-धीरे शुरू कर दीजिए।
ये परिस्थिति है देश के भीतर आ गई। अब यहां पर सवाल होता है कि डेवलपमेंट हमारे यहां मसला क्या है। हमको लगता है दुनिया के किसी भी देश से तुलना करेंगे तो ये बात होगी भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा। चलिए इसका एक आंकड़ा आपको और बताते हैं। 1970 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 65,789 रुपए थी, चीन में 66,675 रुपए की सालाना थी, जो 1970 का जिक्र आपसे कर रहे हैं, अभी की तुलना में जो अभी का जो रुपया डॉलर के मुकाबले है। लेकिन 1970 के बाद अगर 2018 में आते हैं तो भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, 1,13,000, चीन में क्या है, 6,46,000 करोड़। तो ऐसा कौन सा कमाल वहां पर होते चला गया, वो कौन सी गवर्नेंस थी, या उनका छोड़ दीजिए हमारे यहां ऐसी कौन सी गवर्नेंस जो कि आपको ऐसी स्थिति में लेकर ही नहीं आई। ये समझना होगा कि आखिर किसान गाड़ी में क्यों नहीं घूम सकता है, ये समझना होगा कि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम आखिर में क्यों पॉलिटिशियंस के हाथ का खिलौना बन जाता है, ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स अपनी बिसात के लिए इस देश की तमाम परिस्थितियों को उसके अनुकूल बनाने की दिशा में क्यों निर्णय लेती है और क्यों ऐलान करती है और क्यों बढ़ती चली जाती है। ये सारी चीजें हैं। हमको लगता है कि एक और चीज है, हमारा एजुकेशन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में चलते चला जा रहा है जहां पर आपके पास रोजगार बचेगा या नहीं बचेगा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, जब आप क्योंकि अब तो सीमा खत्म हो रही है, डॉलर और रुपए की सीमा खत्म हो गई, तो डॉलर और रुपए की जब सीमा खत्म हो गई तो एजुकेशन किससे खत्म हो गई, कुछ ज्यादातर लोग इलाज के लिए विदेश चले जाते हैं, इसका मतलब वो सीमा भी खत्म हो गई। हमारे वित्त मंत्री ही मौजूदा वक्त में मान लीजिए न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे हैं, जिनके पास पैसा होता है वो बाहर चले जाते हैं। हमारा अपना हेल्थ सेक्टर इतना कमजोर क्यों है, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी दुनिया में छठे नंबर पर आ गई है तो हमारा हेल्थ सेक्टर छठे नंबर पर क्यों नहीं आया है। हम दुनिया के उन देशों में इलाज करने क्यों चले जाते हैं जो दुनिया के 10वें 12वें नंबर पर मान लीजिए सिंगापुर है इलाज के लिए, वहां चले जाते। हमारी अपनी इकोनॉमी 178,00,000 करोड़ की, हम डंका पीटते हैं छठे नंबर पर आ गए, लेकिन व्यवस्था यूनिवर्सिटीज की फेरिस्त में पहले 200 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, हेल्थ सेक्टर में आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, मैनेजमेंट की दृष्टि में आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बच रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस बच रहे हैं उसमें सवाल हो रहा है। हम जनाब ये फैक्ट्स लेकर आना चाहते हैं, वो फैक्ट्स को आप लाने नहीं देते हैं। ये एक अजीबो गरीब स्थिति है, और इसमें अगर ये बात सामने आने लगे कि गरीबों को हम भत्ता दे देंगे और बेरोजगारियों को, बेरोजगार जो है उनको भत्ता दे देंगे, हमको लगता है उन्हें भी ये सोचना होगा क्या एकमात्र हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी यही है, जो सरकार जा रही है, जो सरकार आ रही है, जो सरकार आती है। मतलब कांग्रेस कुछ राज्यों में आई, उसने फटाफट क्या काम किया, राहत की वो तमाम स्कीमें दे दी जिन स्कीमों का जिक्र करते करते मोदी सरकार ने 4 वर्ष गुजार दिए, तो जुमला हो गया। इन्होंने तुरंत दे दिया तो कहना शुरू, हम जुमला नहीं करते, हम तो हकीकत में करते हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी का कोई ढांचा क्या वाकई आपके पास इस रूप में है, ये बात सामने आनी चाहिए। और ये किस रूप में सामने आएगी, इसमें इकोनॉमिस्ट किस रूप में काम कर रहे हैं। तो एक सवाल ये बार बार आ रहा है कि हम अब इकोनॉमी को गांव की तरफ ले जा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा टेंशन है, तनाव है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बना रहे हैं जिसका एक योगदान है। अगर ये सारी चीजें आप कर ही रहे तो आप एक चीज बताइए, हिंदुस्तान की राजनीति सस्ती क्यों नहीं होती है, वो महंगी क्यों होती जा रही है, वहां चुनाव लड़ना महंगा क्यों हो रहा है। एक आम शख्स गांव से उठे, बोले मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं चैलेंज करता हूं कि फला व्यक्ति को, मैं मसलन आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई सूरत में खड़ा हो जाए एक आम आदमी कि मैं ऐसा, या कोई स्कॉलर खड़ा हो जाए, कोई जानकार खड़ा, कोई इकोनॉमिस्ट खड़ा हो जाए, अरविंद सुब्रमण्यम सरकार के इकोनॉमिक सलाहकार हो सकते हैं और बाहर निकल के कह सकते हैं ये जनाब ये क्या डिसीजन आपने लिया, नोटबंदी का क्या ले लिया, उन्होंने एक किताब लिख डाली उस पर। लेकिन वो शख्स कल चुनाव लड़ने जाए तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, रघुराम राजन। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी भी उस पारंपरिक सामाजिक ढांचे को उस लोकतंत्र के आश्रय ढोना चाहते हैं जिसको आर्थिक और सामाजिक तौर पर नकारने के लिए हम स्पेशल लोगों के साथ जुड़ भी रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि अब हमारे इकोनॉमिस्ट उस दिशा में काम करेंगे जो किसानों का हित करे, लेकिन किसान ही खड़ा होकर भारतीय राजनीति में आ जाए ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे। योगेंद्र यादव जी बाहर घूम रहे हैं किसानों के बीच में लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या योगेंद्र यादव जी कहीं से चुनाव लड़ जाए तो जीत पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी, स्थिति इस देश के भीतर की। तो चुनाव लड़के पॉलिसी बनाने की परिस्थितियां और सत्ता में आने के बाद की परिस्थितियां फिर अलग कैसे, वो तो धोखा फरेब पर चलेगी। अगर चुनाव में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो उस चुनाव के
पैसे को लेकर सत्ता में आने के बाद आप पैसा चुकाएंगे, कमाएंगे, या जनता के लिए पैसा आप निछावर कर देंगे? ये एक सवाल है, और इन सवालों को कहीं ना कहीं इस रूप में हम लोग को देखना चाहिए। और तभी हम कहते हैं, अगर आप इन सवालों को समझ रहे हैं तो हिंदुस्तान में 2011 के पॉपुलेशन के लिहाज से अगर ले आइए कि डेमोक्रेसी का राग हम लोग लगातार अपनाते हैं, यहां पर दलितों की तादाद कितनी? 16.63%। मुस्लिमों की तादाद कितनी? 14.2%। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 30%। 30% दलित और मुस्लिम हिंदुस्तान में क्या कर रहा है, यानी लगभग 37-38 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? 2011 का सेंसस के हिसाब से बात करें, ये लोग क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी में इनका योगदान किस रूप में होना चाहिए? जितनी कमेटियां बनी, इनको लेकर कमेटियां बनी, कमीशन बने, उनकी आर्थिक और सामाजिक विपन्नता पर उसने सवाल उठाए, ठीक करने की बात की, लेकिन ये तो लगातार ही किया जा रहा है। कैसे आंकड़े दिया क्या इनके गरीबों के, गरीबी में कितनी है आंकड़े दिए जाए, कितने अनएजुकेटेड हैं बड़ी तादाद में ये बताया जाए, इनके भीतर में जो रोजगार करने की स्थिति किस रूप में कितनी कमजोर है ये बताया जाए। ये तमाम आंकड़े हैं जो हमारे इस वक्त सामने भी हैं कि किस रूप में, मान लीजिए शहरी, शहर में जो लोग रहते हैं, आपको जान के हैरत होगा कि जो शहर में प्रोफेशनल्स हैं, दलितों की तादाद जो हम बता रहे हैं आपको, वो संख्या है लगभग 16%, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ 4.8% क्यों है? 4.5% क्लर्क्स हैं, इनमें जो स्किल्ड एग्रीकल्चर मजदूर जो है वो 4.2% है। अब आप कल्पना कीजिए, इसी तरह मुस्लिम्स में आइएगा तो वहां भी आप देखना शुरू कीजिएगा कि कितने लोग काम कर रहे हैं। मुस्लिम्स में 4.4% ही सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं, 1.3% क्लर्क हैं। हम उस परिस्थिति में आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को परखा हिंदुस्तान के सत्ता के नजरिए से देखा जाए, जो हंसते ठहाके लगाते हुए एक बजट भी लेकर आते हैं और बजट को बखान करने के लिए फिर उसके बाद बताने की स्थिति में भी आते हैं कि जनाब देखिए कितना बेहतरीन काम हमने कर दिया। सवाल ये भी नहीं है कि वो जो कहा जा रहा है वो जमीन पर नहीं है, सवाल ये कहा जा रहा है कि ये हिम्मत भी लोग कहां से ला पा रहे हैं कि तमाम आंकड़े रखते चले जा रहे हैं। विपक्ष कहता है जनाब जमीन पर कुछ भी नहीं है, हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं तो ये तो दूर की बात है, यानी आप तमाम आंकड़ों को गलत तरीके से अगर पेश कर रहे हैं इस देश के भीतर में और जमीन पर काम नहीं हो रहा है तो इसका दूसरा असर क्या होगा? रोजगार का जिक्र होगा तो आपको लग रहा होगा किसी बात में पकौड़ा रोजगार आ रहा होगा। 1947 में भारत जब आजाद हुआ, हमने किताब टटोल रहे थे उसमें निकाला कि पकौड़ा बनाने में तब कितना खर्चा होता था, 1.5 आने का बेसन, 1 आने का आलू प्याज, 1 आने का नून तेल, 3 पैसे का गोबर वगैरह लगता था, यानी 4 आना खर्च हो गया और 8 आना आपने कमा लिया, यानी 4 आने की कमाई हो गई 1947 पकौड़ा बनाने में। 2019 में आइएगा तो क्या होगा, 140 रुपए का बेसन, 60 रुपए का तेल, 25 रुपए का आलू प्याज उसी का बनाइएगा, कुछ और बनाइएगा तो मिला दीजिएगा, 100 रुपए का गैस, अब तो गैस एक छोटा सा आ गया हो, 400 रुपए खर्च होंगे, 700 से 800 रुपए मिलेंगे, यानी 300 से 400 रुपए की आपकी कमाई हो जाएगी। चलिए मान लिया उस समय 4 आना लगाते थे तो 8 आना आता था, अब 400 रुपए लगाते हैं तो 700-800 रुपए आते हैं, इसे रोजगार मान लिया जाए। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि इस देश के साथ मजाक लगातार किया जा रहा है और मजाक करने की स्थिति में हम लोग ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां बजट का लॉलीपॉप जो है वो हंगामा मचा देता है, क्योंकि एक तो मिडिल क्लास में मान लीजिए जो टैक्स देते हैं अब काफी शोर मचेगा, मच रहा है, टैक्स की माफी हो गई, कितने लोग उसके दायरे में कितने आते हैं, टोटल टैक्स देने वाले लोग 6.5 करोड़, उसमें जो टैक्स देने की जो जिनको छूट मिली है वह मान लीजिए 2 करोड़, 30% उसमें ले आई है, 2.5 करोड़ चलिए मान लीजिए, देश में कितनी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, 125 करोड़ तो बहुत पहले पार करा चला गया। हम लोग कैसे ढांचे को रच के उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से करते हैं और प्रचार प्रसार करते हुए कैसे किस तरीके से सियासत साधते हैं, ये हिंदुस्तान की हर पॉलिसी का सच होते चला जा रहा है। एक चीज दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जो हमें बार बार लगता है, इन आंकड़ों को देखकर एक चीज लगने लगा है कि पहले
एनालिसिस होता था तब आंकड़े आते थे, अब आंकड़े लेकर पहले जाते हैं और आंकड़ों के हिसाब से एनालिसिस कर दीजिए, ऐसे इकोनॉमिस्टों की जरूरत अब सरकार को पड़ने लगी है और सरकार को लगातार वही कर रही है काम। हमें ये चाहिए, हमें दिखाना है जीडीपी 8.1% होके इसके हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए, आप उस रूप से एनालिसिस कीजिए। इसका मतलब ये है कि टैलेंट आपके पास है नहीं, टैलेंट को मान्यता देते नहीं है आप, जो टैलेंट था उसे आपने भगा दिया। तो हथेली खाली है, चलिए कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।